त्योहारों और शादी का सीजन शुरू हो चुका है और खबर आ रही है कि आलिया और रणबीर की शादी का कार्ड छप चुका है। हैरान मत होइए, चलिए पता करते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। क्या आलिया और रणबीर की शादी तय हो गई है? क्या 22 जनवरी को दोनों शादी करने वाले हैं? सवाल इसलिए क्योंकि शादी का एक कार्ड अचानक लोगों की नजरों के सामने घूम रहा है। शादी के कार्ड पर आलिया और रणबीर कपूर का नाम है और शगुन की तारीख 22 जनवरी 2020 भी लिखी है। साथ ही शादी की जगह राजस्थान के जोधपुर का उम्मीद भवन का भी जिक्र है। तो क्या आलिया अगले साल के शुरू में रणबीर कपूर की दुल्हन बनने वाली है? शादी का दिन, तारीख और जगह के अलावा कार्ड पर आलिया और रणबीर के मम्मी पापा के नाम भी थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आलिया की शादी का ये कार्ड क्या असली था या फिर फेक? सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल हुआ तो बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि ये शादी का कार्ड नकली था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आलिया और रणबीर कपूर की शादी को लेकर फेक न्यूज वायरल हुई हो। इससे पहले भी आलिया एक एड में दुल्हन बनी दिखी थी तो फोटोशॉप कर रणबीर को उनका दूल्हा बना दिया गया था और दोनों की गुपचुप तरीके से शादी की खबरें सुर्खियों में छा गईं। आलिया ने भले ही पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया हो, लेकिन वो साफ कर चुकी हैं कि अभी उनका शादी के बंधन में बंधने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि अभी तो वो पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं।